आप देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वर्ड इको में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड जो है इको में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर ए अस्मिता दरवाजा बंद कर, पेज नंबर सिक्स पर है ये, सिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और इन्हें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले चलिए बेटा हम एक दुकान खोलते हैं, एक दुकान खोलते हैं। दुकान किस चीज का खोलेंगे बताइए? दुकान हम खोल लेते हैं ज्वेलरी का, समझिए ज्वेलरी, ज्वेलरी का आप दुकान खोलना चाहते हैं। आपके पास खुद का घर है लेकिन खुद का दुकान के लिए गाला नहीं है। दुकान के लिए रूम चाहिए आपको, गाला चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप अपने रूम का डॉक्यूमेंट गिरवी रखोगे और उसके ऊपर क्या है, लोन ले लोगे। लोन आपने ले लिया मान लीजिए 50 लाख, 50 लाख आपने लोन ले लिया, 50 लाख लोन पर आपने क्या किया, बिजनेस चालू कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक जमीन की व्यवस्था कर ली, वो भाड़े पर लेना पड़ा, भाड़े पर लेना पड़ा, डिपॉजिट वगैरह दिया आपने और भाड़ा जो फिक्स हुआ 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ से ये भाड़ा। अब आपने क्या किया कि कुछ उसके अंदर फर्नीचर वगैरह भी बनवाने हैं, फर्नीचर वगैरह बनवाने हैं तो उस पर भी कुछ खर्च कर दिया आपने। फिर आप सामान बेचने, साफ सफाई के लिए कुछ वर्कर्स भी रखना चाहते हो तो आपने कुछ वर्कर्स भी रख लिए। बाद में आप चालू कर दोगे तो ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी, एसी खरीदना पड़ेगा, फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, तो आपने पैसे जो है उधारी का जो लोन पर आपने लिया था वो पैसे से ज्वेलरी खरीदी, फर्नीचर बनवाए, एसी लगवाए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या है, एक मैनेजर रख देते हो। ठीक है, मैनेजर रख देते हो और उसको बोलते हो भाई तू मैनेज कर अच्छे से, तेरा दिमाग सही चलता है, हम लोग थोड़ा प्रॉफिट जो है लास्ट में शेयर कर लेंगे, तू ले लेना 40% और मैं ले लूंगा 60%, तू ले लेना 40% और मैं ले लूंगा 60%। तो जो जो प्लानिंग हुआ बेटा वो प्लानिंग मुझे आप जरा ठीक से याद करके बताइए। सबसे पहले मैंने जमीन की व्यवस्था की, एक गाला ढूंढा, तो सबसे पहले जमीन मतलब उसे हम क्या कहेंगे, लैंड। जमीन ढूंढा आपने सबसे पहले जिसे हम क्या कहेंगे, लैंड। उसके पहले आपने वर्कर्स को रखा सामान बेचने खरीदने के लिए, साफ सफाई के लिए, तो उसे कहेंगे लेबर, उसे कहा जाएगा लेबर। फिर आपने पैसे जो उधार पर लिए थे वो पैसे लगा दिए आपने ज्वेलरी खरीदने में, फर्नीचर बनाने में और एसी परचेज करने में, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। जो पैसा आपने 50 लाख लिया है वो कैपिटल है, जितना भी पैसा आप बिजनेस में लगाओगे घर से उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है मैनेजर। जो आपने मैनेजर रखा जो आपका बिजनेस डील करेगा उसे मैनेजर कहते हैं।
अब इंटरप्रीनियर आपने रखा, इंटरप्रीनियर, ये इंटरप्रीनियर को कई लोग कई तरीके से पढ़ते हैं, एंटरप्रीनियर, इंटरप्रीनियर, इस तरह से अलग अलग स्टाइल से लोग पढ़ते हैं। तो ये इंटरप्रीनियर है या एंटरप्रीनियर है, आप जैसा भी पढ़ना चाहें, इंटरप्रीनियर, इंटरप्रीनियर। अब देखते हैं बेटा, आप दिमाग में बात को बिठाइए। सबसे पहले लैंड मतलब जमीन, फिर लेबर मतलब मजदूर, फिर कैपिटल मतलब पैसा, और फिर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब आपका मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर या ऑर्गेनाइजर, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ज्वेलरी की दुकान के लिए आप जमीन की भी व्यवस्था कर रहे हो, मजदूर की भी व्यवस्था कर रहे हो, कैपिटल मतलब स्टार्टिंग में पैसा जो लगाना है उसकी व्यवस्था कर रहे हो, और मैनेजर मतलब एंटरप्रेन्योर की भी व्यवस्था कर रहे हो। तो कोई भी बिजनेस आप दिमाग में लीजिए बेटा, कोई भी बिजनेस आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये चार चीजें जरूरी हैं। कोई भी चीजें, कोई भी, जैसे इको में तो ज्यादा करके प्रोडक्शन वाले कंपनीज की बात करते हैं लोग, प्रोडक्शन, आप कार बना रहे हो, आप मोबाइल बना रहे हो, आप एसी बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, तो प्रोडक्शन का कार्य करने के लिए आपको चार घटकों की जरूरत है। चार घटक आपके जुबान पर होना चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर। अब ये चार शब्द आप याद कीजिए, इनको मैं ये बताऊंगा कि इनका आप रिवार्ड, इनको मेहनताना, इनकी प्राइस आप क्या देते हैं इनको मैं बताता हूं, आपको याद करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी, इसके बाद आपको क्या है खुद से बताना रहेगा कि मैंने क्या बताया। तो सबसे पहले फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए चार लोगों की जरूरत होती है। वो चार लोग हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब जब जमीन आपने लिया है तो जमीन कुछ मांगेगी, जमीन को कुछ चाहिए। तो जमीन आपने जिससे लिया है, जमीन आपने जिससे लिया है उसको आप क्या देते हैं, आप इंग्लिश में बताइए। जिससे आपने जमीन, रेंट, क्या कहेंगे, रेंट, भाड़ा, रेंट, भाड़ा। तो बहुत इजी आंसर है, जमीन आपने जिससे भी लिया उसको आप भाड़ा ही देते हैं। आप कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि रेंट ही दिया जाता है, तो ये आपको याद हो गया। और ऑब्जेक्टिव में आपसे बार बार पूछा जाएगा कि लैंड का रिवार्ड या लैंड की प्राइस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे रेंट। तो लैंड को जो प्राइस दी जाती है वो है रेंट। अब बताइए लेबर, मजदूर, मजदूर को जो आप देते हो वो, तो आप, हाँ, तो फिर आप पढ़कर बता रहे हो, आप लोग सोचकर नहीं पढ़कर बता रहे हो, सोचकर बताइए, बुक हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कौन, अच्छा, ठीक है, चलिए। लेबर जो है वो मजदूर जो है क्या मांगता है, मजदूरी, मजदूर क्या मांगता है, मजदूरी। तो उसे हम मजदूरी मतलब इंग्लिश में वेज देते हैं, वेज, ठीक है, मजदूर को वेज दिया जाता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैपिटल, कैपिटल जो पैसा आपने लगाया है, बैंक से लोन लिया है आपने, जो आपने बैंक से लोन लिया है उसके ऊपर आप क्या चुकाते हैं, कभी भी आपने बैंक से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट चुकाया जाता है, इंटरेस्ट चुकाया जाता है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट, द प्राइस ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट, द प्राइस और रिवार्ड ऑफ द कैपिटल इज इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे, एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर है वो मैनेजर जो है, जिसको मैंने बोला 60% तू ले लेना भाई, सॉरी 40% तू ले लेना और 60% मुझे दे देना, तो वो 40% प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। तो एंटरप्रेन्योर को, मैनेजर को, ऑर्गेनाइजर को क्या चाहिए रहता है? प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो एंटरप्रेन्योर का जो इनाम है, जो प्राइस है, जो रिवार्ड है, वो क्या है? प्रॉफिट। तो इस तरह से बात हमें समझ में आ गई है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें हम किसको क्या क्या देते हैं वो हमने दिमाग में बिठा लिया है। एक बार जरा देख लेते हैं वापस से। लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर को हम देते हैं वेज, कैपिटल को देते हैं हम इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को हम देते हैं प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आप भी बोलकर बताइए, आप मुझे बोलकर बताएंगे। चलिए बोलिए, लैंड को क्या देना है, लेबर को क्या देना है, वेजेस, कैपिटल को क्या देना है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और एंटरप्रेन्योर को क्या देना है, प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, मतलब प्रॉफिट देना है। अच्छा बताइए, जो लोग फिल्म बनाते हैं, राजा मौली ने जो बनाया बाहुबली, तो फिल्म बनाना प्रोडक्शन का काम कहलाता है या नहीं? प्रोडक्शन किया जा रहा है ऐसा कहलाता है या नहीं? होता है। तो ये आपका सही जवाब है, फिल्म बनाना प्रोडक्शन का कार्य कहलाता है। तो फिल्म बनाने में प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, तो इन लोगों ने कहा है कि जहां भी प्रोडक्शन का कार्य होगा वहां पर ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होंगे। फैक्टर मतलब घटक, एलिमेंट, हिस्से। तो आप चलिए फिल्म सिटी में, फिल्म सिटी में चलकर देखते हैं ये चारों हैं या नहीं है। तो बताइए, जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोड्यूसर कहलाता है। तो हम जरा देखते हैं कि प्रोड्यूसर ये चारों चीज यूज कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बताइए, फिल्म बनाने के लिए हमें फिल्म सिटी तो जाना पड़ेगा ना, घर पर रह के तो नहीं बना सकते। तो आप फिल्म सिटी में गए मतलब आप जमीन यूज कर रहे हैं, आप फिल्म सिटी में गए मतलब आप जमीन यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल का सीन दिखा रहे हैं, आप कॉलेज का सीन दिखा रहे हैं, तो कहीं कॉलेज या हॉस्पिटल से परमिशन लेंगे और वहां पर जाकर आप रेंट देंगे और फिर उनका हॉस्पिटल या कॉलेज यूज करेंगे। तो आप डेफिनेटली मूवी बनाने के लिए फिल्म सिटी में जाकर फिल्म सिटी वालों को रेंट देकर बनाएंगे, या फिर हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, कॉलेज यूज कर रहे हैं तो उनको रेंट देकर उनका हॉस्पिटल कॉलेज यूज करेंगे। तो लैंड डेफिनेटली हमें चाहिए, बिना लैंड के आप मूवी बना सकते हैं क्या? नहीं। चलिए अब आते हैं आगे, लेबर ढूंढिए, लेबर है क्या वहां पे? तो लेबर जो आपका जो अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है और वरुण धवन है, ये लोग क्या है? लेबर है, ये लोग मजदूर हैं, ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं। जो कैमरा मैन है, जो स्पॉट बॉय है, वो भी वहां पर, मेकअप मैन जो है, ये सब लेबर है। तो कैमरा मैन, मेकअप मैन, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब वहां पर लेबर हैं। इनके बिना मूवी बन सकती है क्या? नहीं। तो लेबर बहुत ही जरूरी है। अच्छा, लेबर को हम क्या देंगे? वेज। तो भाई अक्षय कुमार ले रहे हैं 5 करोड़ मूवी बनाने का, वरुण धवन ले रहे हैं 7 करोड़ मूवी बनाने का, सलमान खान ले रहे हैं 10 करोड़ मूवी बनाने का, तो ये लोग वेज ले रहे हैं, मजदूरी ले रहे हैं।
आपको थोड़ा सा दिमाग में ऐसा क्लिक होगा कि मजदूर और मजदूरी तो हम आज तक जो रोड पर पत्थर तोड़ते हैं, जो फैक्ट्री में लोहा पिघलाते हैं, उनको समझते थे। मजदूर और मजदूरी जो वजन ढोता है गेहूं चावल की बोरी सर के ऊपर लेकर गाड़ी से उतारता है और दुकान तक पहुंचाता है, उसको मजदूर बोलते हैं। लेकिन ईको कहता है, नहीं बेटा, ईको कहता है कि आपको कोई भी काम दिया गया है, छोटा या बड़ा, आप सैलरी ले रहे हो या वेज ले रहे हो, आप ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो या रोड पर काम कर रहे हो, सबको एक ही लिस्ट में लिया जाएगा। सबको एक ही लिस्ट में लिया जाएगा। आप अकाउंटेंट हैं, काम कर रहे हैं, या फिर आप झाड़ू मार रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन एरिया में जो अकाउंटेंट है वो भी लेबर कहलाएगा, जो झाड़ू मार रहा है वो भी लेबर कहलाएगा, और उनको जो भी मिलेगा महीने का वो वेज कहलाएगा। इको में वेज कहलाएगा। अकाउंट में बीके सब्जेक्ट में सैलरी भी है, वेज भी है, रेमुनरेशन भी है, लेकिन इको में सबको एक ही नाम से दर्शाया जाता है और वो नाम है वेज। तो लेबर मजदूर जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यहाँ वेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा फैक्टर देखते हैं, कैपिटल। कैपिटल उन्होंने लगाया है क्या? तो आप पहले से ही सुनते हो कि इस फिल्म की बजट 400 करोड़ है, इस फिल्म की बजट 450 करोड़ है, इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, इस पर 800 करोड़ खर्च किया गया है। ठीक है, तो कैपिटल, पैसा तो लगता ही है, तो ये पैसे प्रोड्यूसर कहाँ से लाता है? प्रोड्यूसर बैंक से लेता है, इनसे उनसे लेता है, उनको ब्याज देता है और कहता है जब फिल्म बिकेगी, जब पैसे मिलेंगे, तब इनका लोन चुका दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक को पैसे देने हैं फिल्म बनने से पहले। पैसे आएंगे तो बाद में, लेकिन फिल्म बनाते टाइम लोगों को पैसे देने हैं, तो वो पैसे का अरेंजमेंट किया जाएगा, मतलब घर से पैसा कैपिटल लगाया जाएगा। कैपिटल आप हो सकता है कि बाहर से लोन लें या घर से लगाएं, लेकिन कैपिटल की तो जरूरत है। तो कैपिटल को आप क्या देते रहेंगे? इंटरेस्ट। जब तक आप बैंक का पैसा या घर का पैसा यूज कर रहे हैं, उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट। अब यहां पर भी लोग सोचेंगे कि बैंक से पैसा लिया तो इंटरेस्ट तो देना है, घर से लिया तो कहां देना पड़ता है? लेकिन नहीं, बिजनेसमैन लोग घर के पैसे को भी कर्ज समझते हैं। बाहर का कर्जा बाहर का कर्जा, घर से पैसा लिया तो घर का कर्जा समझा जाएगा और उस पर भी सिस्टमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आप कहीं से भी प्राप्त करो, उधारी पर लेकर आओ या घर से लेकर आओ, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल का प्राइस है इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं, फिल्म बनाते टाइम प्रोड्यूसर किसी एंटरप्रेन्योर को यूज करता है क्या? तो एंटरप्रेन्योर मतलब ऑर्गेनाइजर, मैनेज करने वाला। ठीक है, तो बताइए एंटरप्रेन्योर फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में एंटरप्रेन्योर का काम कौन कर रहा है? आप खुद बताइए। वेरी नाइस, सही जवाब। तो ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया एक ही अटेम्प्ट में। प्रोड्यूसर जो है, दिमाग किसका यूज करता है? डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर को क्या चाहिए? उसके अंदर से प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, तो डायरेक्टर को मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस तरह से आपने सारी बातें क्लियर समझ ली है कि प्रोडक्शन का काम कहीं भी हो रहा है, कोई भी एरिया होने दो, तो वहां चार स्तंभ की जरूरत है, चार लोग चाहिए ही चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट दिया जाएगा, लेबर को वेज दिया जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये आपके जुबान पे होना चाहिए, सर 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 बोलने आना चाहिए, आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट दिया जाएगा, लेबर को वेज दिया जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाएगा। ये आपको फटाफट बोलने आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बुक की वर्डिंग पढ़ ली जाए।
बेटा बताया मैंने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं क्या क्या लिखा है इन लोगों ने। लैंड, सबसे पहले लैंड। तो ये बताइए बेटा, ये जो लैंड है, जमीन जो है, वो इंसान ने बनाया है या भगवान ने दिया है? बोलिए गलत सही, जल्दी जल्दी बोलिए। लैंड, जमीन जो है, हाँ, तो ये भगवान ने बनाया है। तो जो भगवान बनाता है उसे हम नेचुरल कहते हैं, नेचुरल, ठीक है, उसे हम नेचुरल कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा आप, इको में लोग शब्द का मीनिंग थोड़ा ब्रॉडली फैला कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि सैलरी और वेज, सबको यहाँ पर ये लोग वेज ही बोलते हैं, तो वैसे ही जो आपका जमीन है, आप लैंड मतलब जानते होंगे, जहां पर आप घर बनाते हैं, जहां पर आप खेलते कूदते हैं, उसे हम जमीन कहते हैं। रोड भी क्या है, जमीन है, लैंड है। लेकिन यहाँ पर इको में लैंड का पसार, लैंड का जो मतलब है, वो थोड़ा ब्रॉड है, वाइड है, ठीक है। तो क्या है बताता हूं मैं, सुनिए। यहां लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं होगा, यहां पर लैंड मतलब वो सारी जगहें होंगी जहां आप रह सकते हो, जहां कोई जीव रह सकता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग लैंड में क्या क्या ले रहे हैं। तो देखिए, लैंड में ये लोग जमीन लेंगे, जमीन के नीचे भी घुस जाएंगे, क्योंकि जमीन के नीचे सारे जीव रह रहे हैं। तो कोई भी अपना घर जहां भी बना सकता है, वो सब लैंड में आएगा। तो आप जमीन के अंदर घुस जाइए, जमीन के अंदर जितनी जगह है वो भी लैंड होगी, जमीन तो लैंड है ही। जमीन के ऊपर चले जाइए, ऊपर मतलब कहाँ, ट्री, पेड़ पर, पहाड़ पर, आसमान में, बादल में। तो आप पेड़ पर चढ़ जाइए, पहाड़ पर चढ़ जाइए, आसमान में चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, दूसरे ग्रह पे चले जाइए, बादल पे चले जाइए, ये सब का सब जो है लैंड के अंदर लिया जाएगा। यहां तक कि सूर्य प्रकाश भी भगवान की देन है, तो उसे भी लैंड में लिया जाएगा। सनसाइन, सूर्य की प्रकाश, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इंसान समुद्र में बोट लेकर चल देता है, तो समुद्र में भी इंसान खड़े हो सकता है, समुद्र में भी रह सकता है। तो समुद्र का जो पानी है वो भी क्या है, आपकी जमीन लैंड के अंदर आएगी। इंसान हवाई जहाज लेकर उड़ जाता है, एरोप्लेन लेकर उड़ जाता है, वो हवा में भी रह सकता है, तो हवा भी क्या है, हमारे लिए लैंड का ही रूप है। तो बड़ा खींच के ये लोग बता रहे हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक बातें बता रहे हैं कि लैंड में इतना सब कुछ मिक्स है, लैंड मतलब इको में इतना कुछ होगा। तो इको के हिसाब से लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म। इकोनॉमिक्स में लैंड जो आप जानते हैं वो नहीं, यहां पर लैंड का मतलब बहुत ज्यादा कुछ है। तो क्या देखते हैं, इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भगवान ने बनाकर हमें दिया है, ये भगवान की देन है हमें, ये भगवान द्वारा बनाया गया है। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन, कोई भी भगवान का साधन, रिसोर्स मतलब साधन, जो भी भगवान ने हमें साधन दिया है, कहां पर, अवेलेबल ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, ऑन मतलब जमीन पर, पृथ्वी पर, अबव मतलब पृथ्वी के ऊपर, एंड बिलो मतलब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे। तो पृथ्वी पर मतलब ऑन, पृथ्वी के ऊपर मतलब आसमान में, पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी के नीचे आवाज आ रही है ना बेटा?
चलिए आगे। ए अस्मिता, जरा मम्मी को कॉल कर लेना, फोन आ रहा है। मम्मी को कॉल कर लो, फोन आ रहा है। चलिए बेटा, तो आप जमीन देख रहे हैं, जमीन के नीचे, जमीन पर, जमीन के ऊपर जो भी चीजें मिलेगी, जो भी भगवान ने आपको फ्री ऑफ चार्ज दिया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड। तो हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है? धरती, आकाश और पाताल। धरती, आकाश, पाताल, कुछ लोग डायलॉग में बोलते हैं, तू कहीं भी रहेगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। धरती, आकाश, पाताल, कहीं भी छुप जा तुझे ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, तो इंसान धरती, पाताल, आकाश कहीं भी रह सकता है, तो इसी को कहा गया है ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जमीन की जो परत है, पृथ्वी की जो परत है, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके एकदम ऊपर जो भी भगवान ने फ्री दिया है, वो सब क्या कहलाएगा? लैंड। एग्जाम्पल, मिनरल, मिनरल्स मतलब जितने भी हमारे खनिज हैं, खनिज तत्व, मिनरल्स मतलब खनिज तत्व, मतलब जो हम जमीन से खोद कर निकालते हैं जो चीजें, वो विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। तो खनिज पदार्थ, खनिज तत्व तो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन जमीन के नीचे है फिर भी उन्हें लैंड ही कहा जाएगा। सॉइल, वाटर ऑन द सरफेस, आप मिट्टी और पानी कहाँ पाते हैं? सरफेस के ऊपर पाते हैं, सरफेस पर पाते हैं, तो वो भी क्या है? आपका लैंड ही है। एंड एयर, सनशाइन, वाइंड आर अबव द सरफेस, ये लोग तो जमीन से ऊपर है फिर भी इन्हें क्या है? जमीन के अंदर लैंड में माना जाएगा। ठीक है, लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो जब लैंड प्रोडक्शन में सहयोग करती है तो क्या मांगती है? रेंट। जमीन को हमेशा क्या चाहिए रहता है? रेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लैंड टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, आप बताइए बेटा, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वो लैंड है, वो लैंड है या नहीं? जो राजस्थान का डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट, रेगिस्तान, जहां बालू बालू है और कुछ तो है ही नहीं, वो लैंड है या नहीं? वो भी लैंड के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो मंगल ग्रह है, हमारे पृथ्वी का तो है ही नहीं, मंगल ग्रह है, मून है, ये लैंड के अंतर्गत आएगा या नहीं? आएगा सर, आएगा, आएगा बेटा, आएगा, आएगा, ये भी आपका जमीन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कहीं भी चले जाओ, जमीन के एकदम अंदर चले जाओ, जमीन के ऊपर रहो, या जमीन से एकदम आसमान में चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, जो भी चीजें हैं सब भगवान की फ्री दी हुई है, जितना भी भगवान का फ्री लगता है वो सब का सब आएगा आपका लैंड में। हवा, पानी, सनशाइन, सूर्य प्रकाश, ये सब का सब जमीन के अंदर ही इन लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबर, आपको बता दिया गया, आप जो सोचते हैं उससे थोड़ा थोड़ा अलग बताएंगे इन लोगों ने। जमीन के बारे में तो बहुत ही अलग बता दिया, अब देखते हैं लेबर के बारे में ये लोग क्या अलग बताते हैं। तो चेक किया जाए, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर, तो लैंड क्या था? नेचुरल फैक्टर था, लैंड भगवान ने दिया था, लेकिन लेबर क्या है? ह्यूमन फैक्टर है, ये इंसान द्वारा प्राप्त होता है, इंसान ही मजदूर होता है। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवार्ड ऑफ वेज इज कॉल्ड लेबर, दैट इज कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, एक्सेट्रा। तो आप
आज के पहले क्या समझते थे कि जो रोड पर पत्थर तोड़ रहा है, जो बोझा उठा रहा है, वो मजदूर है। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, जो पत्थर तोड़ रहा है, जो बोझा उठा रहा है, या फिर जो ऑफिस में बैठकर सीए अकाउंटेंट का काम कर रहा है, या जो इंजीनियर मशीनें बना रहा है, ये सब मजदूर के लिस्ट में आएंगे। इको के अंतर्गत ये सब लेबर नाम से ही पहचाने जाएंगे और इन्हें जो दिया जाएगा वो वेज। तो आप जानते हैं लेबर अब यहाँ पर या तो मेंटल काम करेगा या तो फिजिकल काम करेगा। जो पत्थर तोड़ रहा है रोड पर, जो बोझा उठा रहा है, वो फिजिकल काम कर रहा है, मतलब अपनी बॉडी को यूज कर रहा है, बॉडी से पत्थर तोड़ रहा है, बॉडी से बोझा उठा रहा है, बॉडी से ही ठेला खींच रहा है। और जो अकाउंटेंट इंजीनियर है वो मेंटल काम कर रहे हैं, मतलब दिमाग का यूज कर रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा लेबर वो होगा जो फिजिकल और मेंटल किसी भी टाइप का काम करे। फिजिकल में आपका कहलाएगा कारपेंटर, मेंटल में कहलाएगा अकाउंटेंट एंड इंजीनियर। तो फिजिकल काम करे या मेंटल काम करे वो लेबर है, और लेबर को जो आप उसका प्राइस देंगे, मेहनताना देंगे, वो वेज कहलाएगा, वो होगा वेज। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आ गई है? अब चलिए देखते हैं कैपिटल। कैपिटल के बारे में ये लोग क्या बवाल करते हैं देखा जाए। कैपिटल, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, इट इज मैन मेड फैक्टर। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है लेबर क्यों आता है बेटा। लेबर आता है कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, जमीन भी आता है कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कैपिटल जो है वो पहले प्रोड्यूस की गई कुछ और फिर से प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैपिटल ये लोग यहां पर कहते हैं मशीनों को, कैपिटल ये लोग यहां पर कहते हैं मशीनों को। कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ क्या बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि कैपिटल मतलब मशीनें, ठीक है। तो चलिए, जैसे न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है तो वहां पर जितनी भी मशीनें बड़ी बड़ी लगी हैं उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में जितनी भी मशीनें लगी हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? कैपिटल। तो बताइए द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मशीन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मशीन है, उसको पहले किसी ने बनाया होगा ना, उसको भी पहले किसी ने प्रोड्यूस किया गया होगा। तो उसको किसने बनाया होगा? इंसान ने बनाया होगा। तो ये देखिए क्या लिखा है, मैंने हाईलाइट किया मैन मेड फैक्टर। तो कैपिटल जो मशीन है वो किसने बनाया है? इंसान ने ही बनाया है। अब इंसान ने क्यों बनाया भाई? तो ये मशीन उसने बनाया कि आगे कुछ और प्रोड्यूस किया जा सके। द टाइम्स ऑफ इंडिया मशीन से न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया जा सके, महिंद्रा एंड महिंद्रा मशीन से ट्रैक्टर या कार या जीप बनाया जा सके, ठीक है। तो ये इन लोगों ने इंपॉर्टेंट बात कह दिया कि कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड, कैपिटल जो है प्रोड्यूस की जा चुकी है, पहले से ही बनाई जा चुकी है। मींस मतलब अब वो साधन बनेगा, मींस मतलब अब वो साधन बनेगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगामी उत्पादन के लिए, अगले उत्पादन के लिए। तो कैपिटल मतलब होता है मशीनें जो प्रोड्यूस की जा चुकी हैं अगले प्रोडक्शन के लिए। तो ये लोग कैपिटल के अंदर मशीनों को भी लेते हैं और रुपए पैसे को भी लेते हैं, रुपए पैसे को भी लेते हैं, मनी को भी लेते हैं। तो कैपिटल जो होता है आपको पहले से ही मालूम है, घर से जो पैसा लगाया जाए वो कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल मतलब मनी तो होता ही है, और ये लोग कैपिटल मतलब क्या है? मशीन को भी पकड़ते हैं। तो फिर इन्होंने हमें आश्चर्य में डाल दिया, फिर हमें इन्होंने झटका दे दिया।
अभी तक तो हम कैपिटल मतलब कैश समझते थे, घर से लाया हुआ रकम समझते थे, लेकिन अब हमें याद रखना होगा कि इको में कैपिटल मतलब पैसा आप घर से लाओ या बैंक से लोन लो, और मशीनें जो भी आपके फैक्ट्री में काम कर रही है वो भी कैपिटल के अंतर्गत ली जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल पहले से ही बनाई जा चुकी वस्तु है जो आगे सामानों को बनाने में मदद करती है। पहले से बनी हुई वस्तु है जो आगामी वस्तुओं को बनाने में मदद करती है। तो ये आपको इंग्लिश में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इट इज मैन मेड फैक्टर, और इसको क्या है, इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, ये मैन मेड फैक्टर है, कृत्रिम है, मतलब इंसान द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसी में है, इंसान ने बनाया है और प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने के लिए, विच अर्न्स, जो कमाता है। कैपिटल क्या कमाता है भाई, रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो कैपिटल जो है रिवार्ड या प्राइस के रूप में अर्न मतलब कमाता है इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सीधा सीधा आपके सामने, मशीनरी, कैपिटल मतलब मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये जो आपने बिजनेस या प्रोडक्शन में जो भी चीजें लगा दी हैं, फैक्ट्री बना के लगा दिया है, बिल्डिंग बना के लगा दिया है, मशीनें बनाकर लगा दी है, फर्नीचर बनाकर लगा दिया है, ये सब कैपिटल का ही रूप होगा। आपकी फैक्ट्री में खड़े हो जाइए, जो भी आपने बनाया है रख दिया है बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए, वो कैपिटल का रूप धारण करेगा, कैपिटल कहलाएगा। चलिए एंटरप्रेन्योर, बहुत मस्त शब्द है, पढ़ने में मजा आता है इसको। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी पढ़ सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर, मतलब यही तो सब व्यवस्था करता है। हु इज अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, यही कैप्टन है। कैप्टन तो जैसे क्रिकेट में कैप्टन, कैप्टन मेन होता है क्रिकेट खेल में, मैच के खेल में कैप्टन मेन होता है। और आप जानते हैं जो पानी की जहाज चलाई जाती है उसमें जो मेन होता है उसे भी कैप्टन ही कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन जैसे क्रिकेट में कैप्टन जरूरी है, हवाई जहाज या पानी की जहाज चलाने के लिए कैप्टन जैसे जरूरी है, वैसे ही प्रोडक्शन कार्य में भी एक कैप्टन चाहिए, और उस कैप्टन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ही इज कैप्टन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, सॉरी, ही इज कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, ही इज कैप्टन ऑफ द प्रोडक्शन फील्ड। तो प्रोडक्शन कार्य में एंटरप्रेन्योर को कैप्टन का दर्जा दिया गया है, जो सबको ऑर्गेनाइज करता है, मतलब सबको तालमेल बिठा के रखता है। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर, ये भी लेबर ही है लेकिन थोड़ा स्पेशल है, ये बाकी लेबर से ऊपर रहता है। जैसे आपको बता दिया गया, आप मूवी तैयार कर रहे हो, फिल्म बना रहे हो, तो कैमरामैन, स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब लेबर हैं। डायरेक्टर भी लेबर ही है लेकिन इनसे ऊपर है, डायरेक्टर लेबर है लेकिन इनसे ऊपर है। डायरेक्टर सबको ऑर्गेनाइज करता है कि एक्टर यहां पर रहेगा, एक्ट्रेस यहां पर रहेगी, एक्टर इस टाइम काम करेगा, एक्ट्रेस इस टाइम काम करेगी, कैमरामैन इतना दूर पर होना चाहिए, इतना ऊपर होना चाहिए, उसको मैं ये कैपिटल लाकर दे रहा हूँ, ये कैपिटल आपको यूज करना है, मतलब ये कैमरा यूज करना है, ये मशीन यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से मेकअप मैन जो है उसको ये मैंने सामान दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टर सब ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है, तो ये बाकी लेबर से ऊपर है, इसलिए इसे लेबर लिस्ट से निकालकर अलग नाम, अलग दर्जा, अलग ओहदा दिया गया है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सबको सेट करके रखता है। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन
अर्न द रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो एंटरप्रेन्योर जो है दिमागी काम करता है, दूसरों से अलग होता है, महान होता है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने खत्म किया है। आप लोगों को इसके अंदर पढ़कर थोड़ा आश्चर्य लगा होगा, थोड़ा अलग लगा होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा मजा भी आया होगा। ठीक है, तो बोलिए बात सही है कि नहीं? ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग कौन कौन याद कर लिया? एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग सबने याद कर लिया। अब चलिए एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग लिखकर सेंड कीजिए। देखते हैं पहले 10 में कौन कौन आता है। ये शुभम का रॉन्ग हो गया भाई, रोशनी का भी रॉन्ग है। नहीं बेटा, आपने स्टार्टिंग वाला आर ई जो है उसमें आर पहले रहेगा, आपने ई पहले लिखा है। वही तो होता है बेटा, जब कंपटीशन होता है तो छोटी गलतियां ही इतिहास रचती हैं। तो ये आपने स्पेलिंग देख लिया, इसके अंदर खास बात ये है कि हमेशा आर पहले आएगा, ई और आर के कंपटीशन में आर पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इंटरप्रेन्योर याद कर लिया। ओके चलिए, इन लोगों ने यहां लिखा था ऊपर वाले पेज में 5 नंबर पेज पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए या देश के लिए जो भी कुछ करते हैं, उसके अंदर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑफ 4 टाइप्स। तो 4 तरह के टाइप्स हैं। सबसे पहला, कुछ लोग प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए आपकी बुक्स प्रिंट की जा रही है, तो जिस फैक्ट्री में आपकी बुक्स प्रिंट की जा रही है, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जिस फैक्ट्री में प्रिंट की गई होगी, हम कहेंगे कि वो प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं। प्रोडक्शन, पेपर लिया उन्होंने, सही साइज से काटा उन्होंने, प्रिंट किया उन्होंने, गम लगा के कवर चिपकाया उन लोगों ने, ठीक है, बंडल बनाया उन्होंने, तो ये क्या है, प्रोडक्शन का कार्य है, इसे प्रोडक्शन बोलेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई क्या? बुक आपके पास पहुंच गया क्या? नहीं, अभी बुक प्रिंट हुआ है, बंडल बन गया है, इसके बाद क्या होगा, वो होलसेलर के पास जाएगा। हाँ मैं बताऊंगा, रुकिए, मैं क्या कह रहा हूं कि वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर उठाकर होलसेलर के पास पहुंचाएगा, फिर होलसेलर कहां ले जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सामान यहां वहां भेज दिया गया, फिर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होगा मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले आमने सामने फेस टू फेस आएंगे। तो एक्सचेंज होगा मतलब बेचने खरीदने वाले एक दूसरे के सामने आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब खरीद लिया गया तो उसका कंजम्पशन किया जाएगा, मतलब उसको यूज किया जाएगा, मतलब आप उसे पढ़ोगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप जानते हैं कि जब अनाज उत्पन्न होता है गांवों में,
तो गांव में किसान प्रोडक्शन करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करती है? गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, गवर्नमेंट वहां से माल उठाकर शहरों में पहुंचाती है, फिर वो दुकानों में पहुंच जाता है, या तो प्राइवेट दुकान हो या तो गवर्नमेंट सरकारी राशन की दुकान हो, वहां पर बेचा खरीदा जाता है, और लास्ट में उसे ग्राहक क्या करता है, कंज्यूम करता है, मतलब खाता है, पकाता है, खाता है, हजम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि इकोनॉमिक कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें चार लेवल होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो जिसमें आपने प्रोडक्शन देख लिया है, प्रोडक्शन करते टाइम चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर। प्रोडक्शन करते टाइम चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये तीन पॉइंट बहुत ही छोटा छोटा है, हम लोग इसे आज खत्म कर देंगे। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ होता है। तो देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, बस इतने में ही खत्म है, बस इतना सा ही है, इसे खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वॉट, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन लोगों ने लिख दिया, इट इज अ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम दे आर रिवार्ड्स ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहां पर इन लोगों ने ये लिया है कि सामान बन गया, प्रोडक्शन हो गया, अब जिन जिन लोगों ने प्रोडक्शन में मदद किया था उन्हें उनका रिवार्ड देना है, उनका मेहनताना देना है। तो इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड, मतलब इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड। तो डिवीजन कौन कौन से होते हैं फैक्टर रिवार्ड के, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द इंडिकेट करता है रिवार्ड को, कौन कौन से, लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो जो डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवार्ड है चार, अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, तो जो सोसाइटी से आपने चार अलग अलग लिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उनको देना, उनका सैलरी, उनका पगार देना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लेम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मांगते हैं, क्लेम करते हैं मतलब मांगते हैं, दावा करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या मांगते हैं बेटा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के समय। तो जब तारीख आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया कि किसने किसने मेहनत किया था, भाई आइए अपना इनाम लेकर जाइए, तो ये लोग लाइन में आ जाते हैं और अपना अपना दावा करते हैं, मांग रखते हैं कि मेरा रेंट दे दो, मेरा वेज दे दो, मेरा इंटरेस्ट दे दो, मेरा प्रॉफिट दे दो। इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, पगार बांटने का काम होता है। फिर आता है अगला एक्सचेंज, इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो भी देश, इकोनॉमी मतलब यहाँ पर देश होगा, कंट्री में जो भी लोग हैं जो गिव एंड टेक करते हैं, मतलब लेन देन का काम करते हैं, उन लोगों का काम शुरू होगा। एक्सचेंज रिफर्स टू द सेल एंड परचेज, मतलब बेचने खरीदने का। तो सीधा सीधा सेलर एंड बायर, सेलर एंड बायर, सेलर सेल करेगा और बायर परचेज करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो फिर एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा, मतलब सेल परचेज होना चालू हो जाएगा, मतलब सेलर और बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरली अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक में उसी ट्रांजेक्शन को एक्सचेंज कहेंगे जिसके अंदर पैसे का यूज किया गया, बरोबर है। आपने पप्पा का हेड मसाज किया लेकिन पैसे नहीं लिए तो ये एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। आपने पप्पा का हेड मसाज कर दिया, पप्पा ने आपको क्या है, चॉकलेट लाकर दे दिया, तो ये इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, ये लव एंड अफेक्शन के द्वारा किया हुआ कार्य कहलाएगा। ठीक है, मम्मी ने आपको खाना बनाकर दिया
और आपने घर के कपड़े धो दिए, तो मम्मी ने खाना बनाया उसके बदले आपने कपड़े धो दिए, तो ये भी लव एंड अफेक्शन के हिसाब से हुआ है, ये भी एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। आपके एरिया में कोरोना काल के अंतर्गत लोगों ने आकर फ्री चावल बांटा, फ्री साबुन तेल बांटा और चले गए, लेकिन पैसा आपसे नहीं लिया इन लोगों ने, आपसे पैसा इन्होंने नहीं लिया, इसलिए ये एक्सचेंज के अंतर्गत नहीं आएगा। इको में एक्सचेंज के अंतर्गत वही आएगा जिसके लिए मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किया गया, मतलब ट्रांजेक्शन कैसा था, पैसे के हिसाब से, मनी के हिसाब से, तो ही वो एक्सचेंज में लिया जाएगा। तो आपने देख लिया इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए एक्सचेंज इज नेसेसरली, एक्सचेंज उसी को कहा जाएगा आवश्यक है कि उसमें पैसा यूज किया गया हो, अगर पैसे का मूल्यांकन किया गया है तो ही उसे एक्सचेंज कहेंगे। लास्ट हमारे पास कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब सेलर ने सेल कर दिया, बायर ने बाय कर दिया, अब क्या करना है, कंजम्पशन करना है मतलब उपभोग करना है, मतलब यूज करना है, मतलब खाना पीना पहनना है, तो आपने जो भी चीज लिया है उसे खाना पीना पहनना चालू कर देंगे, तो इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने परचेज किया है उसे आप यूज करना चालू कर देंगे, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इंसानीय चाहतों को संतुष्ट करने के लिए, तो उसे कंजम्पशन लेवल कहा जाएगा। तो बताइए बेटा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सबसे पहले क्या होता है दुनिया में, प्रोडक्शन, सबसे पहले दुनिया में क्या होता है, प्रोडक्शन, तो चार लोग मिलके प्रोडक्शन करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल इंजीनियर, फिर दुनिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उन्हीं लैंड कैपिटल इंजीनियर को रेंट इंटरेस्ट वेज और प्रॉफिट दिया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। थर्ड लेवल बताइए, थर्ड लेवल एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब हुआ आपका सेल एंड परचेज, तो मार्केट में बेचने खरीदने का काम शुरू हो जाता है, और लास्ट में कंजम्पशन मतलब उसे खा पी कर खत्म करने का फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है, खा पी कर आप खत्म करते हैं मतलब ह्यूमन वांट्स को आप सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत काफी पॉइंट्स देखे, छोटे छोटे पॉइंट्स देखे हमने, माइक्रो एरिया छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करता है वो खत्म हुआ। अगली बार हम मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ी एरिया में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, आप मेरे साथ सहयोग किए, शांति से सुने, उसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।